लोकसभा चुनाव जारी है। पीएम मोदी अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश पर पानी फेरने की तैयारी में नजर आ रही है आरएसएस। आरएसएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। तो क्यों बीजेपी की खिलाफत पर उतरा आरएसएस, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है। बीजेपी के 400 पार के नारे को विफल बनाने की राह में चल पड़ी है आरएसएस। दरअसल ऑनलाइन रजिस्टर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। संस्था के संचालक जनार्दन मून ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के राज में जनता को काफी कुछ देखना सहना पड़ा। मोदी सरकार मुफ्त अनाज बांटने का ढोल पीटती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अनाज जानवरों को खिलाने लायक होता है, न कि इंसानों के खाने लायक। जनार्दन मून ने विपक्ष पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केवल विपक्ष के ही नेता भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी का कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं रहा? फिर सारी कार्रवाई विपक्ष के ही नेताओं पर क्यों हो रही है? विपक्ष के लोगों को ही क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? बीजेपी पर आरोपों और सवालों की बौछार करते हुए जनार्दन मून ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार, उनके इस नारे को फेल करना है, इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। उन्होंने देश भर के संघ कार्यकर्ताओं से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। आरएसएस की अपील ने देश भर में खलबली मचा दी है। बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए जनसमर्थन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।